नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में गीस गोल्डन लंगूर के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। पिछले कुछ समय पहले गीस गोल्डन लंगूर खबरों में रहे। असम के कोकराझार के नायक गांव में कुछ घटनाओं के चलते यह प्रजाति चर्चा में रही। नायक गांव गोल्डन लंगूर के फ्रेगमेंटेड आवासों में से एक है। आइए जानते हैं गीस गोल्डन लंगूर के बारे में। इसे गोल्डन लंगूर भी कहा जाता है। इसके रोए यानी फर का रंग गोल्डन ऑरेंज रंग का होता है, इसलिए इसे गोल्डन लंगूर कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक का नाम थ्रैकीपिथिकस गी है। इस प्रजाति की खोज 1953 में ई.पी. गी द्वारा की गई थी। बाद में 1956 में खजूरिया द्वारा इसके बारे में वर्णन किया गया। यह पुराने विश्व के बंदरों यानी ओल्ड वर्ल्ड मॉन्कीज के समूह का है। ओल्ड वर्ल्ड बंदर को कोलोबाइंस कहा जाता है। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 यानी शेड्यूल 1 प्रजाति में सूचीबद्ध है। आइए जानते हैं इसके आवास के बारे में। इसका आवास पश्चिमी असम और दक्षिणी भूटान है। असम में इनका आवास 3 नदियों द्वारा घिरा हुआ है। दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस और पश्चिम में संतकोश। इनके आवासों को निम्नलिखित खतरे हैं: सड़कों का निर्माण, घरों का निर्माण, हाइड्रोपावर का विकास और कृषि का विस्तार। इनकी जनसंख्या को खतरा निम्न प्रकार से है: बिजली से मृत्यु, सड़कों पर एक्सीडेंट से मृत्यु, अवैध रूप से पालना और कैप्ड लंगूर के साथ हाइब्रिडाइजेशन। ये विभिन्न प्रकार के रसीले पत्ते यानी जूसी लीव्स खाते हैं। आंतरिक प्रजनन से बचने के लिए यह विशिष्ट समूह में रहते हैं। ये समूह 2 प्रकार के होते हैं। एक में केवल मेल रहते हैं, दूसरे समूह में बाइसेक्सुअल रहते हैं। बाइसेक्सुअल वाले समूह को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक में 1 मेल और 4-5 फीमेल होती हैं, दूसरे में 2 मेल एवं बहुत सारी फीमेल होती हैं, एवं तीसरे समूह में बहुत सारे मेल एवं बहुत सारी फीमेल होती हैं। सामान्यतः गोल्डन लंगूर फीमेल 2 बच्चों के जन्म के बाद 2 सालों का अंतराल रखती है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रजाति की खोज ई.पी. गी द्वारा की गई थी। दूसरा, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। तीसरा, यह प्रजाति पश्चिमी असम और दक्षिणी भूटान में पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।